कहते हैं कच्चे तेल का बाजार तो हमेशा कूदने या टूटने के कगार पर ही बैठा रहता है। बस कहीं कुछ उल्टा पुल्टा हुआ और तेल यह गया कि वह गया। लेकिन गेहूं ऐसा तुनक मिजाज कभी नहीं रहा। लेकिन इस बार यह रिकॉर्ड भी टूट ही गया। 24 फरवरी को जैसे ही रूस के टैंकों ने यूक्रेन की सीमा के पास गरजना शुरू किया, गेहूं के बाजार में तूफान आ गया। मार्च 2022 के पहले हफ्ते में अमेरिका में गेहूं का फ्यूचर्स यानी वायदा रेट 1975 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। लगे हाथ यूरोप के मिलिंग व्हीट ने भी महंगाई का नया रिकॉर्ड बना दिया। बाजार कह उठा, गेहूं आप तो ऐसे न थे, पर कोई करे क्या, दुनिया की एक चौथाई गेहूं आपूर्ति रूस और यूक्रेन से होती है। पुतिन की सेना यूक्रेन के बंदरगाह तबाह कर रही है और बदले में रूस पर प्रतिबंधों की बरसात हो रही है। 12 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत $502 पर टन पर थी। यह हाल फिलहाल के दिनों में गेहूं की कीमत का सबसे ऊंचा स्तर है। अगले 2-3 साल में इनके बढ़ते जाने की संभावना है। अब हालत यह है कि इक्विटी बाजार वाले भी गेहूं के फ्यूचर्स में निवेश की सलाह देने लगे हैं। इस वक्त जब गेहूं में आग लगी है तो लोगों को 1970 का दशक याद आ रहा है। याद आ रही है अमेरिकी गेहूं की वह अनोखी लूट जो रूस ने की थी। जी हां, वो लूट ही थी। उसके बाद गेहूं का बाजार हमेशा के लिए बदल गया। क्या हुआ था तब? पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। यह 1970 का दशक था। दूसरे विश्व युद्ध को करीब 3 दशक बीत रहे थे। अमेरिका दुनिया में कृषि पैदावार की बड़ी ताकत बनकर उभर चुका था। अमेरिका के गरीबों को फूड स्टाम्प के जरिए सस्ता अनाज दिया जा रहा था। दूसरी बड़ी लड़ाई में अपनी ताकत स्थापित करने के बाद अमेरिका दुनिया की मदद के अभियान पर था। 1954 में आया फूड फॉर पीस कार्यक्रम, जिसके तहत जरूरतमंद देशों को खाद्य सहायता दी जा रही थी। अचरज होगा कि वही अमेरिका था जो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तक कुपोषण और अनाज की कमी से जूझ रहा था। लिजी कालिंगहम अपनी मूल्यवान किताब द टेस्ट ऑफ वार, वर्ल्ड वार टू एंड बैटल फॉर फूड में लिखती हैं कि दूसरी बड़ी जंग के दौरान अमेरिका में सेना के लिए स्वस्थ लोग मिलना मुश्किल थे। 5 में से 2 पुरुष फौज की भर्ती से नकार दिए जाते थे क्योंकि वह कुपोषित थे। 1930 की महामंदी के बाद अमेरिका में हुए कृषि सुधार और खेती संकट से समृद्धि में बदल गई। किसानों को मूल्य समर्थन मिला, सब्सिडी दी गई और जिसका फायदा भरपूर फसलों के तौर पर पककर सामने आने लगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आई नई तकनीकें, इससे खेती का उत्पादन और बढ़ा। अमेरिका के अनाज के भंडार भरने लगे। यहां से शुरू होता है अमेरिका और रूस के रिश्तों का एक नया रहस्यमय दौर। दरअसल अमेरिका और रूस के रिश्तों का इतिहास इतना रहस्यमय है कि अचरज होता है। दुनिया के देशों के लिए जो युग रूस और अमेरिका के बीच चरम शीत युद्ध का था, उस दौरान भी दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्तों की गर्मी देखते बनती थी। 1971 में अमेरिका रूस को गेहूं का निर्यात करता था। यह सौदे बहुराष्ट्रीय अनाज कंपनियों के जरिए किए जाते थे। 70 के दशक की शुरुआत में डॉलर कमजोर हो रहा था, गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन बुरी तरह परेशान थे। अमेरिका का निर्यात यूरोप और जापान से पिट रहा था। विदेश व्यापार का चेहरा ठीक करने के लिए अमेरिका गेहूं का निर्यात बढ़ाना चाहता था। भंडार भी भरे थे जिन्हें खाली करना जरूरी था। उधर दूसरी तरफ सोवियत संघ की हालत भी बहुत ठीक नहीं थी। 1971-72 में सोवियत संघ में सर्दियों वाले गेहूं की फसल बुरी तरह मारी गई। अगली गर्मी में भी गेहूं की फसल के दुर्दिन जारी रहे। अमेरिका को यह तो पता था कि सोवियत रूस को अनाज चाहिए, लेकिन कितना चाहिए इसका अंदाज नहीं था। निक्सन की सरकार में एरल बर्च अमेरिका के कृषि मंत्री थे। तेज तर्रार, मुंहफट और विवादित बर्च को अमेरिका में खेती की नीतियां बदलने के लिए जाना जाता है। उस वक्त तक अमेरिका में भारत जैसी समर्थन मूल्य प्रणाली लागू थी।
किसानों का अतिरिक्त उत्पादन सरकार खरीदती थी, इसके लिए सब्सिडी रखी जाती थी। दरअसल यह नीति 1930 की महामंदी के बाद से चल रही थी। पर्च ने कृषि उपज का निर्यात करने का एक बड़ा कार्यक्रम बनाया। वह पूरे अमेरिका में यह कहते घूम रहे थे कि खूब पैदावार कीजिए, अमेरिका अब दुनिया के बाजार में अपना गेहूं बेचेगा। ठीक इसी मुकाम से शुरू होती है अमेरिकी कृषि व्यापार नीति की एक सबसे बड़ी चूक, जिसे इतिहास में द ग्रेट रशियन रॉबरी के नाम से जाना जाता है। हुआ यह कि कृषि मंत्री अर्ल बर्च ने सोवियत रूस के साथ अनाज निर्यात का एक समझौता किया। इस निर्यात के लिए उन्होंने सोवियत संघ को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन जारी की। यह कर्ज अमेरिकी गेहूं को खरीदने के लिए था। इसके बदले सोवियत रूस को अगले 3 साल में $750 मिलियन का गेहूं खरीदना था। बर्च ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सोवियत वाले यह सारा अनाज सिर्फ 1 साल में खरीद लेंगे। उस वक्त सोवियत रूस की कमान लियोनिद ब्रेजनेव के हाथ में थी। ब्रेजनेव कूटनीतिक चतुरता से संपन्न बड़े ताकतवर नेता थे। जोसेफ स्टालिन के बाद वह सबसे लंबे समय तक रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे। भारत और रूस की मशहूर संधि उनके कार्यकाल में ही हुई थी। भारत का नेतृत्व तब इंदिरा गांधी कर रही थी। तो हुआ यह कि जैसे ही अमेरिका से क्रेडिट लाइन मिली, रूस ने गुपचुप ढंग से दुनिया के अनाज व्यापारियों से सौदे शुरू कर दिए। क्रेडिट लाइन एक किस्म की अमेरिकी गारंटी थी, जिसे दिखाकर रूस के कारोबारी अनाज कंपनियों से सौदे करने लगे। अमेरिका की सरकार को पता ही नहीं था कि रूस एक साथ कई निर्यातकों के साथ गेहूं खरीद के समझौते कर रहा है। अनाज निर्यातकों को भी यह बात पता नहीं थी कि ब्रेजनेव की सरकार कहां किस से कितने गेहूं की खरीद करने जा रही है। इस बीच एक बड़ी ग्लोबल अनाज कंपनी कॉन्टिनेंटल ने गेहूं पर बड़ा दांव लगा दिया। उसे भी उम्मीद थी कि सोवियत रूस तो 3 साल में अनाज खरीदेगा, तब तक नई फसल आ जाएगी, और इसलिए कॉन्टिनेंटल ने अनाज की वास्तविक खरीद किए बगैर आगे के सौदे कर डाले। सोवियत रूस ने अभूतपूर्व तेजी के साथ 3 सप्ताह में $750 मिलियन अनाज के सौदे कर लिए और पूरी आपूर्ति 1 साल में तय कर ली गई। निक्सन की सरकार ठगी रह गई। ताकतवर रिचर्ड निक्सन के लिए शर्मिंदगी का मौका था। उनका पूरा अमला जान ही नहीं सका कि दुनिया में अनाज की मांग और आपूर्ति का क्या हाल है। सोवियत रूस की इस अजीबोगरीब लूट से $300 मिलियन की सब्सिडी डूब गई। अमेरिका में गेहूं की कीमतें 30% तक बढ़ गईं और इसके बाद अमेरिका में कृषि नीतियों में बदलाव शुरू हुआ। अमेरिकी सरकार ने दुनिया में खेती के उत्पादन और मांग की और करीब से निगहबानी शुरू की। निक्सन ने अनाज और सोयाबीन के निर्यात पर पाबंदी लगा दी, जिससे अंततः सोयाबीन की भरमार हो गई। किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। बाद में यह पाबंदियां हटा ली गईं। दूसरी तरफ रूस की इस लूट से दुनिया का अनाज कारोबार ही बदल गया, क्योंकि दुनिया में अनाज के भंडार बनने लगे थे। 1803 से लेकर 1972 तक गेहूं की कीमतों के इतिहास में कहीं भी किसी बड़ी तेजी का जिक्र नहीं है। इस दौरान आई महंगाई में इस अनाज का योगदान ना के बराबर रहा है। लेकिन रूसी लूट के बाद 1972 में पहली बार गेहूं की कीमत ने $1.5 प्रति बुशल की कीमत का स्तर पार किया, और उसके बाद गेहूं की कीमत कभी $3 प्रति बुशल से नीचे नहीं गई। गेहूं 2012 में $8 की चोटी पर भी चढ़ चुका है। अब यह $4-5 प्रति बुशल के बीच है। कीमतें बढ़ने के अनुमान लगातार बढ़ रहे हैं। तो यह था किस्सों का सिक्का। अगले हफ्ते लौटेंगे फिर एक नए वाकये के साथ, एक नए किस्से के साथ। अब बने रहिए मनी9 के साथ। समझ है तो सहज है।